हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का यहाँ पे जो है नोटिस जारी हो गया है, ठीक है। जो भी 2023 में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए जो है कि फॉर्म आ चुका है। तो किस डेट से किस डेट तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आपका एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, कब काउंसलिंग होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा पूरी बात बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं तो क्या आपको बीएड का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा चल रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अगर जो अगर फॉर्म मेरे हिसाब से तो फॉर्म आप लोग जो है मार्च में भरिएगा जिन्हें प्राइमरी टीचर ही बनना है ओनली, ठीक है। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो भी आ जाएगा, आदेश भी आ जाएगा, ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है, तो इसे आपको जो है आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको बीएड करना सही रहेगा नहीं। जो टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना बीएड का फॉर्म जो है भरेंगे ही भरेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन यहाँ पे देख जो है कि नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि विषय क्या है आपका। तो ये जो है विषय है आपका संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कराने के संबंध में यहाँ पे लिख रखा है उत्तर प्रदेश के स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध या संयुक्त घटक महाविद्यालयों में शिक्षण संख्या जो यहाँ पे दे रखा है दिनांक 5 मई 1987 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध संयुक्त तथा घटक विश्वविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश विनिमय 7वां संशोधन 2007, 10वां संशोधन आपका 2015 तथा अन्य सपाटी संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों के अवलोकन में जो है संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कराने तथा तदुपरांत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्रवाई संपन्न कराने हेतु शासन द्वारा सम्यक जो है विचारोपरांत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को जो है आयोजित विश्वविद्यालय नामित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है स्टार्ट हो गया है आपका यहाँ पे कि कब से कब आपका फॉर्म होगा, क्या फीस होगी, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिख रखा है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु जो है समय सारणी निम्नवत है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि 1 फरवरी का है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फेब्रवरी 10 से आपका भरा जाएगा 10 मार्च तक, ठीक है। तो जो बीएड कर रहे हैं सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है, वो एक बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का इंतजार करें, क्योंकि 10 मार्च तक फॉर्म का लास्ट डेट है, तो अभी काफ़ी समय है, ठीक है। तो आप लोग मार्च में भरिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 फरवरी के आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश जो है आ जाएगा कि क्या है बीएड वर्सेस बीटीसी का निर्णय क्या हुआ, ठीक है। निर्णय जो है मिल जाएगा आपको, तो आप फॉर्म भरना, ठीक है। और जिसको टीजीटी पीजीटी करना हो तो बीएड करे ही करे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 फरवरी से जो है 10 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो है आपका अप्रैल जो है 20-25 यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 25 अप्रैल में होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका मई में आएगा, ठीक है, 25-30 के आसपास जो है 25-30 मई को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग जो है 1 जून से 25 जून तक चलेगी दोस्तों। स्टार्टअप एकेडमिक सेशन जो है जुलाई 1, 2023, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम फीस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी की जो फीस होती है यहाँ पे वो 1000 होती है, ठीक है दोस्तों, 1000। और SC ST की जो फीस होती है दोस्तों वो 500 होती है, ठीक है, 500। तो 500 SC ST की फ़ीस हो गई और 1000 जो है जनरल OBC की फ़ीस हो गई। तो मैं यहाँ पे आप लोग को पूरी बात समझा दिया हूँ दोस्तों, अब आप लोग अपने हिसाब से जो है फॉर्म भरना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।